माशरे के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम इसी माशरे का एक हिस्सा हैं। जिस तरह मैं सुबह सुबह ख़ुद उठकर अपनी एजुकेशन की तरफ जब जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर मेरे साथ जितने भी मर्द या औरतें होती हैं, जितने स्टूडेंट्स होते हैं, तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लोग इस बात से डरते हैं कि अगर मुझे एजुकेशन में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, वो इस बात से डर के वो तालीम को छोड़ देते। अपनी ट्रांस कम्युनिटी को मैं यही बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपने आप को एक मकाम तक पहुँचा अपनी एजुकेशन की बदौलत, तो ये एजुकेशन आप खुद करके आगे जा सकती हो। जी मेरा नाम बिलाल है, लेकिन मेरे कम्युनिटी के लोग जो मुझे पहचानते हैं सोफिया के नाम से पहचानते हैं। जिस तरह लोगों को पता चल चुका था कि सोफिया कौन है और बिलाल कौन है, तो मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती थी। जब मैं बाहर घूमती तो कम्युनिटी वाले मुझे सोफिया के नाम से पुकारते थे, जब अपने और लोग थे वो मुझे बिलाल से पुकारते थे। और जैम सोबिया खान उम्मीद दरम जो चुला उदून के बरुख जुड़ और टिक टाक की सिंगर चुतास्त पत्र का प्रोग्राम के बमुंग तास्तर खुली खुली खबर तरीको आग खबर मालूमातों ने चुतास्त पत्र नहीं बमुंग तास्तर का प्रोग्राम के तास्त रखो। तो मुझे रेडियो में बहुत अच्छे तरीके से काम मिला है, मैं रेडियो ज्वाइन करती हूँ, वहाँ पर अब प्रोग्राम होस्ट करती हूँ। वही लोग जो हमें बुरी नज़र से देखते थे, बुरी नज़र से हमें पुकारते, अभी वही लोग मेरे प्रोग्राम के लिए इंतज़ार करते कि सोबिया खान का प्रोग्राम हम कब देखेंगे। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और प्रोग्राम के डेर खोले खोले मैसेज जिन रागले तमीन वालों डेर डेर में बस में जाती हूँ या किसी और, तो वहाँ पर मुझे बहुत से लोग बुरी नज़र से भी देखते हैं। जितने भी मेरे ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं उनको बड़े मसाइल होते हैं। वो जब दुकानदार से चीज़ें खरीदते तो बुरे कमेंट्स उनको मिलते हैं, लोग ताने देते, लोग बुरी बुरी आवाज़ें निकालते हैं। तो इस आवाज़ों की वजह से वही ट्रांस अपनी बाज़ारों तक नहीं जा सकते, वो अपने घरों से नहीं रह सकते। वो एक चिड़िया की तरह, जिस तरह एक चिड़िया पंजरे में बंद होती है, इस तरह ट्रांस कम्युनिटी भी उस पंजरे में बंद है। उस बात को नहीं देखती कि लोग क्या सोच रहे, मैं ही बात को देख रही कि ट्रांसजेंडर को जिस तरह लोग जिस नज़र से देख रहे हैं, उस नज़र को मुझे ख़त्म करना होता है। अपनी ट्रांस कम्युनिटी को मैं यही बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपने आप को एक मकाम तक पहुँचा अपनी एजुकेशन की बदौलत, तो ये एजुकेशन आप खुद करके आगे जा सकती हो। तो इसलिए इस लोगों को मैं बिठा के उनको खुद पढ़ाती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनको गाइड करती हूँ कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। अभी मेरे ट्रांस कम्युनिटी के बहुत से लोगों में ये जज्बा पैदा हो चुका है कि हम भी तालीम करके अच्छे अच्छे पोस्टों में अपने लिए जॉब खुद निकालेंगे। तो मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एप्पल के भी क्या स्पेलिंग है, जब हम एप्पल को समझ जाएंगे तो स्पेलिंग भी ऑलरेडी हम समझेंगे। तो एप्पल की जो स्पेलिंग है वो आपको याद करनी होती है, क्योंकि आप इसमें पढ़ सको कि एप्पल में कितने लफ्ज़ आते हैं। APPLE एप्पल, एप्पल मीन सेफ। जब मेरे वालिदैन को पता चले कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खफा हो गए। मैं अक्सर अपनी माँ की आंखों में देखता था, उनकी आंखों में जो आंसू थी वो मुझसे छुपाती थी, लेकिन वो मुझे नज़र आ रही थी। मैंने ये इरादा किया कि मेरे माँ के आंखों में जो गम के आंसू हैं, उस गम के आंसू को मैं खुशी के आंसू में एक दिन लाजमी तब्दील करूँगी।